नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट। ओके, और हमारा जो पेपर कोड है ये हिंदी का पेपर कोड है, पेपर कोड 3803। जितने भी स्टूडेंट्स एचएस का एग्जाम दे रहे हैं उन सब के लिए हाईली बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। सेक्शनल टेस्ट जो आपके हो रहे हैं, फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट, ये वो पेपर में आपके साथ डिस्कस। अब मैं आप सभी से बताना चाहूंगी कि HCS 2021 के लिए हमारा जो नया ऑनलाइन बैच है, उस जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 23rd of April 2021। तो जितने लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है आप जरूर ज्वाइन करें अपनी तैयारी को और सिस्टमैटिक करने के लिए, सेक्शनल टेस्ट के लिए, कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट के लिए, वीडियोस के लिए, पीडीएफ्स के लिए, सभी चीज़ों के लिए, बहुत ही सिस्टमैटिक तैयारी कराने के लिए, अपने पेपर्स जो हैं उनको चेक करवाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारा ये जो नया बैच है जो 23 अप्रैल से शुरू हो रहा है इसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। आपके मन में अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर है देखो स्क्रीन पर 9817390373। करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है baljeetdhaka.com उसे आप विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अंधेरे में तीर ना चलाएं, सिस्टमैटिक तैयारी के लिए ये जो नया बैच है इसे आप जरूर ज्वाइन करें। देखो जो पेपर्स हम इवैल्यूएट करते हैं वही तो हम यहाँ पर वीडियोस में आपके साथ शेयर करते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के पेपर्स हैं जिन्होंने बैचेस को ज्वाइन किया हुआ है और हमें वो जो है लगातार लिखकर भेज रहे हैं। सो ज्वाइन जरूर करें। ओके, हिंदी मेंस का पेपर, हिंदी कंपलसरी पेपर। जितने भी लोग सोच रहे हैं कि एक बार मेरा प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा, आपकी सारी ये जो गलत फहमियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। अब सेक्शनल टेस्ट है तो इसमें कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए, हमने पत्र लेखन और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये दो चीजें जो है इस सेक्शनल टेस्ट में कवर की गई है। सेक्शनल टेस्ट है ये 3 घंटे का सेक्शनल टेस्ट और मार्क्स कितने हैं इसके लिए, अधिकतम अंक 100। ओके, ये 100 मार्क्स का जो है पेपर है। अब मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जैसे आप वहां पर एग्जाम देंगे 3 घंटे लगातार बैठकर जो है आप पेपर दीजिए। पत्र लेखन तो चलो देख लेते हैं। पत्र लेखन यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं कि लेटर लिखने के लिए आपको क्या दिया गया था। चॉइस होती है लेटर में। पहला प्रश्न था आप मोहन या मोनिका हैं और आपने पाया कि कई मिठाई की दुकानें मिलावटी दूध का प्रयोग कर रही हैं, प्रशासन को शिकायती पत्र लिखना था। 10 नंबर का था ये प्रश्न। ये उसके बाद जो दूसरा है, ड्राइविंग करते समय जिन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए उनके बारे में XYZ अखबार के संपादक को पत्र लिखिए और साथ ही जनता के हित के लिए अखबार में पत्र प्रकाशित करने का अनुरोध करें। ओके, और ये कितने मार्क्स का है आपका, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। तो जिन स्टूडेंट्स ने कुछ अधिकतर स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने पहले वाला प्रश्न ही अटेम्प्ट किया था। ओके, जिन्होंने ये दूसरे वाला पार्ट अटेम्प्ट किया कि ड्राइविंग करते समय जिन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए उनके बारे में XYZ अखबार के संपादक को पत्र लिखें और साथ ही जनता के हित के लिए अखबार को पत्र में प्रकाशित करने का अनुरोध करें, जिन लोगों ने ये अटेम्प्ट किया मैं ये कवर करूंगी। अब इसमें मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि पत्र लिखने से पहले आप प्लान करें। तो यहाँ पर आप देखो, आपको आखिर में जरूर कहना है कि मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा या करना चाहती हूं कि मेरा ये जो पत्र है इसको जनता के हित के लिए आप अपने अखबार में जरूर प्रकाशित करें। तो ये, और साथ ही आपको ये भी तो बताना है कि कौन से वो सुरक्षा नियम है जिनका पालन होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए, जो पीछे बैठा है उसको भी हेलमेट लगाना चाहिए, जो कार या गाड़ियां चला रहे हैं उनको जो है सीट बेल्ट लगानी चाहिए, अपना लेन जो है या ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, जो भी आप बताना चाहते हैं ना वो 4-5 पॉइंट्स आप अपने लिख लीजिए। ओके, कुछ लोगों ने जो है बड़ी अजीब सी चीजें लिखी, कुछ लोगों ने ये तक लिखा कि आवारा पशु देखकर कुछ लोग हॉर्न पे हॉर्न बजाते रहते हैं, उन्हें गाड़ी से उतरकर आवारा पशु को साइड हटाना चाहिए। ओके, थोड़ा सा ना मतलब क्या कहूं, आवारा पशु का पशुओं का समाधान भी क्या है नहीं पता लोगों को, बल्कि अपने पशुओं को इस तरह से छोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप इस तरह की बात कहें कि आप नीचे उतरिए और उस पशु को अलग हटाइए, ये बड़ा अजीब सा था। तो पहले प्लान करो फिर लिखो। आओ स्टूडेंट का हम पेपर देखते हैं। ओके, सेवा में संपादक महोदय XYZ अखबार दिल्ली 6। ओके, बिल्कुल सही इन्होंने यहाँ पर एड्रेस लिखा है, इस तरफ इन्होंने दिनांक लिखी है। कुछ एक स्टूडेंट्स ने क्लियरली आपको दिया गया है कि XYZ अखबार है, फिर भी आपने कुछ और ही अखबार लिख दिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, फलाना ढिमकाना। ओके, सारे अखबारों के आपने नाम लिख दिए। प्रश्न से जो जानकारी आप ले सकते हैं, देखो प्रश्न से दो जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो अखबार का नाम, अखबार का नाम हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से
देखो अखबार का नाम जो है वो एक्स वाई जेड अखबार है, किसको लिखना है आपको, संपादक को लिखना है, ये भी तो आपको दिया हुआ है ना कि लिखना किसको है, संपादक को लिखना है। कुछ लोगों ने संपादक की बजाय जो है पत्रकार वगैरह इस तरह से शब्दों का प्रयोग कर लिया, गलत था। जिसको एड्रेस करना है वो बताया गया है, और साथ ही साथ आप देखिए ड्राइविंग करते समय हमें सुरक्षा नियमों का जो पालन करना चाहिए वो बताना था। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट ने जो है कैसा लिखा है। विषय ड्राइविंग नियमों का प्रकाशन हेतु पत्र। आपको मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छा और सटीक विषय जो है वो स्टूडेंट ने लिखा है कि ड्राइविंग नियमों का प्रकाशन हेतु पत्र। आगे है महोदय, मैं आपके प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से सड़क पर आए दिन होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, ठीक है, सड़क पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ नियमों को प्रकाशित करवाना चाहता हूं। बिल्कुल सही है, हूं को इस तरह से लिखेंगे भाई, ध्यान दीजिए आप लोग। मैं बताना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं इसको प्रकाशित करवाना चाहता हूं, मैं समस्या का समाधान चाहता हूं या चाहती हूं, जो भी है हूं आपको ऐसे ही लिखना है। बहुत लोग इसमें छोटे हूं की मात्रा लगाते हैं, विच इज इनकरेक्ट। ओके, श्रीमान जी कृपया नीचे अंकित कुछ नियम इस प्रकार हैं, ठीक है, हमेशा उचित दिशा पर चलें, ये पर इनकरेक्ट है, वाहन को नियंत्रित गति से चलाएं, ट्रैफिक नियम का पालन करें, हमेशा हेलमेट पहने दुपहिया वाहन पर। उसके बाद है, कृपया करके इन नियमों का प्रकाशन करके सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में प्रशासन की मदद करें, फिर धन्यवाद, फिर भव्य, ऐसे करके इन्होंने जो है कंप्लीट किया। इनको मैं यहाँ पर 10 में से 5.5 नंबर मिले हैं, ठीक है, तो ये थे इनके मार्क्स। आगे चलते, थोड़ा और बेहतर कर सकते थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह को कंट्रोल कर लेते अगर ये, तो इनका बेहतर हो जाता। वैसे ओवरऑल इनको एक नंबर और एक्स्ट्रा मैं दे देती अगर मैं एग्जामिनर हूँ। चलो अगला पेपर देखो, अगला पेपर देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, अगला प्रश्न माफ कीजिए, जो अगला प्रश्न है उसमें दिया गया है, द हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को पत्र लिखकर आवारा जानवरों के कारण होने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में शिकायत करें, ये भी 10 नंबर का है। और दूसरा आपको दिया गया था कि आपकी कॉलोनी में जल आपूर्ति की समस्या है, अध्यक्ष दिल्ली जल बोर्ड प्राधिकरण को इस संबंध में आप एक पत्र लिखें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया मैं वो ले रही हूँ, द हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को पत्र लिखकर आवारा जानवरों के कारण जो होने वाली समस्याएं हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब हम ये पेपर देख लेते हैं, दिनांक 2 जनवरी 2021, बिल्कुल सही है, पत्र क्रमांक ये सारा इन्होंने लिखा, सेवा में मुख्य संपादक द हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र। ओके, उसके बाद विषय आवारा जानवरों के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में। ओके, बहुत अच्छा। देखो कुछ लोग हैं जिन्होंने इमेजिन किया कि वो शहर में रहते हैं, उन्होंने शहर में होने वाली समस्याएं लिखी कि यहाँ पर जो है जो आवारा पशु है उनकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है, या फिर वो आवारा कुत्ते वगैरह हैं वो यहाँ के निवासियों को काट लेते हैं, वो आसपास का क्षेत्र जो है वो गंदा कर देते हैं। कुछ एक ऐसे भी थे जिन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि को लिखा और उन्होंने कहा किस तरह से ये जो आवारा पशु हैं ये हमारी फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखो थोड़ा बैलेंस बनाओ, आप लिख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में आवारा पशु जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ आप ये भी लिख रहे हो कि मैं कनॉट प्लेस वाले क्षेत्र में रहता हूं तो वहां पर ये मेजर ट्रैफिक जाम भी कर देते हैं, क्योंकि कनॉट प्लेस आपको पता है दिल्ली का एक बहुत ही वीआईपी टाइप एरिया है, वीआईपी टाइप एरिया में फसलों को नुकसान कहां से हो गया। तो थोड़ा ना मैच्योरिटी के साथ सोचो कि मतलब जो सारा आप सारी कहानी बना रहे हो, सारी बातें आप लिख रहे हो वो सही भी है कि नहीं, ये देखने की आपको जरूरत है। तो विषय देखो यहाँ पर आवारा जानवरों के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में, और ये सारे का सारा पार्ट इनका बिल्कुल सही है। ओके, आगे देखो, श्रीमान जी मैं हरियाणा राज्य के जिला अंबाला का निवासी हूँ, आजकल मेरे जिले में आवारा जानवर बहुत ज्यादा हो गई है। इस स्टूडेंट के पेपर में ओके, ये हो गई है या हो गए हैं हमें नहीं समझ में आया। कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर ऊपर सेंडर्स एड्रेस भी लिख रहे हैं, बिल्कुल आपको सेंडर्स एड्रेस भी लिखना होता है वैसे, ओके, लेकिन ये फॉर्मेट भी बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स एक्सेप्ट करते हैं तो हम इसको कर रहे हैं। आप सेंडर्स एड्रेस में लिख रहे हैं अपना पता रोहतक का या सोनीपत का या हिसार का, और नीचे आप लिख रहे हैं कि मैं अंबाला का रहने वाला हूँ, इन दोनों को भी कोऑर्डिनेट कर लेना, कोऑर्डिनेट करने में ही भलाई है, ठीक है। हो सकता है
कि आप मूल रूप से जहां के रहने वाले हैं वहां की समस्या बता रहे हो और आप नौकरी करने के लिए कहीं और, इस तरह के लॉजिक से आप भिड़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो सेंडर्स एड्रेस में पता दे रहे हो, जो स्थान बता रहे हो, उसी को कोशिश करना कि वही पहली लाइन में अगर आप उसको डालना चाहते हैं तो। मैं हरियाणा राज्य के जिला अम्बाला का निवासी हूँ। आजकल मेरे जिले में आवारा जानवर बहुत ज्यादा हो गई है, इस कारण शहरी क्षेत्र में सड़क दुर्घटना ज्यादा हो गई है, इस कारण शहरी क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, ये हो गई है शायद इनका फेवरेट शब्द है, तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। आगे देखते हैं, इस समस्या के बारे में प्रशासन के कई बार प्रशासन को यहां होना चाहिए तभी सर्कल के एग्जामिनर ने प्रशासन को कई बार लिख चुका है, ये भी गलत है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई इन आवारा जानवरों पर नहीं हुई है। मैं इस पत्र के माध्यम से आपको अनुरोध करता हूं कि आप यह समस्या अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें तथा प्रशासन का ध्यान इस ताकि प्रशासन का ध्यान इस पर जाए और आवारा जानवरों की समस्या पर कार्रवाई हो। धन्यवाद, फिर भवदीय ईशु अंबाला निवासी हरियाणा। इन्होंने कंप्लीट किया और एग्जामिनर ने इनको कमेंट दिया है, कंट्रोल केयरलेस मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक और थोड़ी सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स है और इनको 6 मार्क्स मिले हैं जो बिल्कुल सही है। लेटर को प्लानिंग के साथ करो। देखो, इन्होंने भले ही स्पेलिंग मिस्टेक्स की पर फिर भी 6 नंबर क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि बिगिनिंग का जो फॉर्मेट है, जो विषय है, जिस तरह से इन्होंने एड्रेस किया है श्रीमान जी, उसके बाद जिस तरह से इन्होंने कंक्लूड किया, वो सारी चीजें ठीक है, इसी के 3-4 नंबर मिल जाते हैं। बॉडी में गड़बड़ भी अगर हो जाए, थोड़ा सा और बेहतर कर लेंगे ये तो इनके 2 नंबर और बढ़ जाएंगे। आप कोशिश करो कि लेटर में आपके मार्क्स जो है वो 8.5 नंबर तक हो जाए, 8.5 तक हो जाए, वो सही हो जाएगा। ओके, और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ, थोड़े से पेपर्स चेक करने के बाद जब आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी, जैसे इनको बताया गया कि तुम्हारी लापरवाही ये वाली गलतियां हो रही हैं, ठीक है, तो आप इनको कंट्रोल करेंगे। तो इसी के साथ आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये 2 पेपर्स मैंने आपके साथ शेयर किए, देखिए किस तरह से इन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।